संतोष सर, क्लेरेंट केमिकल, अच्छा, 343 रुपए का भाव। जस्ट मोमेंट, हाँ 343 के भाव आ रहे हैं। और सेम चीज जैसा मैंने बताया अलग जी कि इसमें काफी डीप डाउन ट्रेंड इसमें भी डेवलप हो चुका है। और चूंकि जैसा मैंने बताया कि जितने भी केमिकल कंपनियां हैं उसमें ये प्रॉब्लम हमको देखने को मिल रही है। चाइना प्लस वन के कारण जो है हमने देखा कि यहाँ पर शायद बहुत अच्छा काम हो सकता है, बट अभी तक बहुत ज़्यादा अपटिक नंबर्स में नहीं है। मार्केट उनको काफ़ी अच्छा वैल्यू कर लिया था, उसके बाद दिख रहा है कि कंपनीज में जो परफॉर्मेंस नहीं आई है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स दिक्कतें रही हैं, उसके कारण सारी चीज़ों में दिक्कत है। निचले स्तरों पर जो सपोर्ट दिख रहा है वो काफ़ी नीचे है एलेक्जी, और मैं कहूँगा कि ऐसी कंपनियों में अब जो है अगर आप फंस चुके हैं तो एक अच्छे लेवल्स का इंतजार करें। कितने रुपए में लिया है मुझे पता नहीं है ना, एटलीस्ट मुझे 460 से 480 ये बड़े लेवल्स हैं, काफ़ी ऊपर है लेवल यहाँ से, और सपोर्ट लेवल भी काफ़ी नीचे है और बीच में स्टॉक है, तो कहना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि अगर आप निचले स्तरों में फंस जाते हैं तो साइकोलॉजिकली आदमी जो है लेकिन निकल नहीं पाता है ऐसे स्टॉक से, और ये और वहाँ पर मतलब डिसीजन भी देना हम लोगों के लिए एनालिस्ट के लिए भी डिफिकल्ट होता है कि इन एनी केस अगर हम उनको बोले यहीं पे आप निकल जाओ और स्टॉक बढ़ जाए तो मुश्किल होती है। तो मैं कहूँगा कि थोड़ा भी क्योंकि डीप जो है डाउन ट्रेंड में है, कोई भी तरह से अगर मार्केट में उछाल मिलता है तब आप निकलने की सोच लें। ये आप देख सकते हैं जो संतोष सर कह रहे हैं कि तो इसका निचला लेवल 200 के आसपास का है, ऊपरी लेवल 600 के आसपास का है, और अभी हम बीच में 350 के आसपास के लेवल पे काम कर रहे हैं, जो कि उस रेंज के बीच में है। यहाँ कहना मुश्किल है, नीचे भी तरफ बहुत जगह खाली है, तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि सपोर्ट के आसपास और यहाँ से अब बहुत ज्यादा गिरावट की गुंजाइश नहीं है, तो वो भी गुंजाइश है, लेकिन ऊपर की तरफ भी गुंजाइश है, तो दोनों चीजें हैं। और थोड़ा मुश्किल है इस समय चीजों को समझ पाना या कुछ भी, लेकिन अगर क्योंकि आपकी अगर बहुत ऊपरी लेवल से अगर आपके पोजीशन है तो फिलहाल शायद थोड़ा रुक जाने में समझदारी होगी, लेकिन अगर बहुत छोटा मोटा ही आपका नुकसान हो रहा है तो फिर यही कह रहे हैं संतोष सर कि अगर कम नुकसान हो रहा है तो निकल जाए, ज्यादा समझदारी होगी। हाँ, डेफिनेटली। ठीक, क्योंकि हमें आपका खरीदारी का भाव नहीं पता है तो इसलिए वो जानकारी नहीं है, लेकिन अगर बड़ा नुकसान नहीं है तो निकल जाइए, अगर हल्का फुल्का नुकसान है, हल्का फुल्का नुकसान है, कम नुकसान है, तो निकल के पैसे शिफ्ट कर सकते हैं। चैनल को देखते रहिए, बहुत सारे स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं जहाँ पे निवेश किया जा सकता है, एक्सपर्ट बताते हैं, संतोष सर ने भी बहुत सारे स्टॉक्स बताए हैं, तो उस पर भी आप नजर रख सकते हैं।